हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास बालजानो वाइस्ट्रास थ्योरम है। बालजानो वाइस्ट्रास थ्योरम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एवरी इन्फाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, यानी कोई हमारे पास एक इन्फाइनाइट बाउंडेड सेट है उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट एस बी इन्फाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, क्योंकि एस हमने कोई सबसेट मान लिया है आर का जो कि इन्फाइनाइट है बट बाउंडेड है। क्योंकि एस बाउंडेड है तो बाउंडेड के लिए हमारे पास एक सुप्रीमम और एक इन्फिमम मिल जाएगा। तो के वन जो है वो लोएस्ट बाउंड है, और के जो स्मॉल के है वो लोएस्ट बाउंड, और कैपिटल के है जो अपर बाउंड है। तो यहाँ से हमने इसको एलिमेंट को लिख दिया, के इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो हम एस के जो एलिमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं के। नाउ एज्यूम, हमने फिर से एज्यूम किया है एक और सेट जो कि इस तरह से किया, एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन मैनी एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि एस के काफ़ी एलिमेंटों से जो एस है ये एक्स है वो बड़े हैं। ये एस सबसेट लिया है जो एक्स के काफ़ी एलिमेंटों से बड़े हैं। सब एलिमेंट नहीं ले रहे हैं फ्रेंड्स, हम काफ़ी ले रहे हैं, मतलब तो कुछ एलिमेंट हम छोड़ भी रहे हैं। नाउ के लेस स्मॉल के है जो वो लेस देन इक्वल टू यू, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एस। जो स्मॉल के है ये जो है वो लेस देन इक्वल टू यू होगा, जहाँ पर फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एस, यानी हर एस के एलिमेंट से एक छोटा होगा। ये इससे क्लियर है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोअर बाउंड है तो स्मॉल के होगा वो लेस देन इक्वल टू इम्प्लाई कर रहा है के इज नॉट ग्रेटर देन एनी एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि जो ये स्मॉल के है वो किसी भी एस के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो इम्प्लाई कर गए के बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाई के नो ए नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि के जो एलिमेंट है वो तो कम से कम ए में होगा ही, तो इम्प्लाई कर गया ए जो होगा वो फाइव नहीं होगा। कुछ एलिमेंट हमें मिल जाएंगे ऐसे जो कि उससे बड़े होंगे एलिमेंट, इनकी हम ए में अगर कोई एलिमेंट अगर हम ना भी मिले तो हम के को ले सकते हैं। के ओनली वन एलिमेंट ऐसे मिल जाएगा जो कि उससे बड़ा होगा, बड़ा है बराबर होगा तो हम एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया जो ए है वो फाइव नहीं है। अगेन हमने लिया है फोर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, के प्लस एप्सिलॉन, ये के है वो कैपिटल के है फ्रेंड्स, यानी जो अपर बाउंड है। के प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू के, यानी कि इस के से छोटा होगा, इस के से जो कि इस यू से जो यू जो एलिमेंट है इसके इसके बराबर या इक्वल होंगे, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एस। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे के प्लस एप्सिलॉन जो कि नॉट बिलोंग्स टू ए है, और के नॉट बिलोंग्स टू ए, स्मॉल के नॉट बिलोंग्स टू ए है, तो यहाँ से हम कहेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए के, यानी कि ए जो सेट हमने माना था वो हमें क्लोज क्लोज एब हो गया। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं हमने पहले उसको लोअर जो ए जो सेट था वो क्लोज एबब है, और यहाँ से हमने उसको कुछ सेट से बड़ा लिया था तो वो क्लोज लोअर भी है। तो जो सेट ए है यानी जो ऐसे जो सबसेट है ए वो क्लोज है लोअर एंड अपर दोनों तरफ से, क्योंकि ए इज क्लोज फ्रॉम एबव सबसेट ऑफ आर। सो ए जो है क्लोज सबसेट है, जो एबव से क्लोज है वो आर का सबसेट है। सो एल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ ए इन आर, जो एल्फा कोई एक एलिमेंट होगा जो उसका सुप्रीमम होगा आर में। अब यहाँ से हम प्रूव कर दिया, हमने यहाँ तक हमने फ्रेंड्स ए तक के लिए पढ़ा था। नाउ वी प्रूव दैट एल्फा इज अ लिमिट पॉइंट, अब हम प्रूव करेंगे जो एल्फा है वो इसका एक लिमिट पॉइंट है। लेट एल्फा माइनस एप्सिलॉन एंड एल्फा प्लस एप्सिलॉन इज अ नेबरहुड ऑफ एल्फा, यानी कोई एल्फा जो पॉइंट लिया था उसका नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड है, वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। और चूंकि एल्फा इज अ सुप्रीमम ऑफ ए, जो एल्फा है वो सुप्रीमम ऑफ ए है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा माइनस एप्सिलॉन, यानी कि एल्फा जो है वो सुप्रीमम है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एल्फा माइनस एप्सिलॉन से कुछ बड़े एलिमेंट हमें मिलेंगे, क्योंकि कुछ एलिमेंट यानी एल्फा तो मिलेगा ही मिलेगा हमें, तो एल्फा माइनस एप्सिलॉन मिलेगा। सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स, कि वो सबसे लोएस्ट अपर बाउंड होता है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा माइनस एप्सिलॉन। नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए, चूंकि एक्स बिलोंग्स टू ए है हमारे पास, एक्स इज ग्रेटर देन सम एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि एक्स जो एस के कुछ एलिमेंट से हमने लिया था जो कि हमने डिफाइन भी किया था स्टार्टिंग में, उसको हमें इस तरह से एक्स ग्रेटर देन सम एलिमेंट ऑफ एस, तो ये हमारे पास डिफाइन कर गया एल्फा माइनस एस। जो एल्फा माइनस एस जो होगा वो भी
उसके लिए भी एस ग्रेटर देन सम एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि ये एल्फा माइनस एलिमेंट, इससे भी कुछ एल्फा माइनस एप्सिलॉन से भी कुछ एलिमेंट बड़े होंगे। ओनली सम एलिमेंट आर इन द लेफ्ट ऑफ एल्फा माइनस एप्सिलॉन, यानी एल्फा माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट साइड में जो होंगे, यानी एल्फा माइनस एफ यहाँ एल्फा है, एल्फा माइनस एफ कुछ ही पॉइंट बचे हैं यहाँ पे, इधर रह गए हमारे पास। और जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो एल्फा प्लस एप्सिलॉन के राइट हैंड साइड में होंगे, एल्फा माइनस एप्सिलॉन के राइट हैंड साइड में होंगे। इम्प्लाई करेगा एल्फा प्लस एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एल्फा प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है और एल्फा क्या है हमारे पास, सुप्रीमम है। अपने सुप्रीमम में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो वो ए से बाहर चला जाएगा, ए से बाहर चला जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीमम में ऐड, सुप्रीमम क्या होता है, वो होता है लोएस्ट अपर बाउंड, यानी सबसे छोटा जो अपर बाउंड हो, अगर उसमें कुछ और ऐड करेंगे तो वो उसका बाहर चला जाएगा। जैसे अगर ये है, ये इसका सुप्रीमम है और ये सेट है, इसका सुप्रीमम ये है, अगर इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो ये सेट के बाहर के पॉइंट होंगे। सो एल्फा प्लस एप्सिलॉन इज अ बिगर देन इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, यानी एल्फा माइनस एप्सिलॉन जो है वो काफ़ी एलिमेंट्स से, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बड़ा है। इम्प्लाई कर गए एस हैव इनफाइनाइट एलिमेंट इन लेफ्ट ऑफ एल्फा माइनस एप्सिलॉन, यानी जो एल्फा प्लस एप्सिलॉन है यहाँ पे, उसके लेफ्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि एल्फा माइनस एप्सिलॉन के राइट हैंड साइड में थे, बट एल्फा माइनस एल्फा प्लस एप्सिलॉन एन से बाहर है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे अगर एल्फा माइनस एप्सिलॉन है और ये एल्फा है, तो या और ये एल्फा प्लस एप्सिलॉन है, तो इसके लेफ्ट में काफ़ी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। वाई फर्स्ट एंड सेकेंड, एल्फा माइनस एप्सिलॉन एल्फा प्लस एप्सिलॉन हैव इनफाइनाइट एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड क्या कहते हैं हमारे पास, क्योंकि इधर इसके लेफ्ट राइट साइड एल्फा माइनस एप्सिलॉन के राइट हैंड साइड में काफ़ी इनफाइनाइट पॉइंट थे और एल्फा माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट में इनफाइनाइट पॉइंट थे, तो इस ये कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो भाई इस तरह से थ्योरम प्रूव हो जाती है।